बड़वानी, हत्या लूट डकैती के कुख्यात हरियाणा और पंजाब के बदमाश धराए। लूट हत्या और डकैती करने वाले 5 कुख्यात आरोपी पुलिस गिरफ्त में आए। ये आरोपी 6 फरवरी को सेंधवा के समीप जामलीक में दुग्ध संयंत्र के सामने वाहन चेकिंग के दौरान 5 लोग बैग लेकर भागे थे। उक्त आरोपियों से 8 पिस्तल, रिवाल्वर, 27 राउंड जब्त किए गए। वह चोरी की कार HR10P8007 भी जब्त की गई। आरोपी जबर जंग भगवान सिंह जाट, लखबीर सिंह पंजाब, प्रदीप शर्मा पवन उर्फ पुनिया हरियाणा को 20 घंटे की सर्चिंग के दौरान जंगल से गिरफ्तार किया। SP बड़वानी DR तेनिवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज खुलासा किया। बड़वानी से अखिलेश साहू की रिपोर्ट। लूट, हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती के प्रकरण में पंजीबद्ध थे और वहाँ के कई प्रकरणों में ये फरार चल रहे हैं। एक आरोपी जो है भगवान जाट, तो भटिंडा जेल से 302 के प्रकरण बंद था भटिंडा जेल में और वहाँ से पेशी पे लाया जा रहा था, तो उसी दौरान यह पुलिस पे हमला करके भागा। 20 तारीख को इन्होंने एक मर्डर किया है, 3 फरवरी को इन्होंने जो है एक मर्डर किया है और मर्डर करके उसकी जो गाड़ी का जो मालिक है उस गाड़ी को लेकर के ये यहाँ पर सेंधवा आए थे। जो गाड़ी इसमें जब्त हुई है यह इसके मालिक का भी इन लोगों ने मर्डर किया था। इस प्रकार से ये पंजाब और हरियाणा के एक शातिर कुख्यात बदमाश हैं जिनमें कई प्रकरण इनके विरुद्ध पंजीबद्ध है और दोनों स्टेट की पुलिस में ये वांटेड है। सर, रिवाल्वर जो बरामद की गई उसका क्या किस्सा? जो रिवाल्वर बनी है वह पिछले वर्ष जो है इन्होंने बैंक सुरक्षाकर्मी से लूट करके इन्होंने ये प्राप्त की थी, बरामद हुई है वो रिवाल्वर, रिवाल्वर के राउंड बेस में बरामद हुई। सर, पुलिस के ऊपर भी कट्टा डाला इन्होंने? हाँ, इन्होंने प्रयास किया था। जो पार्टी तलाश जो कर रही थी इन्होंने पुलिस को चमका करके, पहली बात तो मोटरसाइकिल जो छुड़ाई है उसमें भी इन्होंने पुलिस को कट्टा दिखा करके मोटरसाइकिल छुड़ाई है और साथ में जब माधपुर के जंगल में, मोहिपुरा के जंगल में जब गिर गए तो उन्होंने अपने बचने के लिए पुलिस को कट्टे दिखाए, लेकिन चूंकि हमारी जो थाना प्रभारी है जो उन्होंने बड़ी साहस प्रदर्शन करते हुए और बड़ी मेहनत करके जंगल से इन्होंने पकड़ा और पूरे अभियान में करीब करीब 20 घंटे लगे। जो हमारी पूरी पुलिस जो है वो 20 घंटे जंगल में ही रही है और जंगल को घेर के ही रहा ताकि बदमाश बाहर नहीं निकल पाए और उसी का परिणाम है कि बदमाश जो है रंगे हाथों पकड़ा गया। MPM क्यों आए सर ये लोग यहाँ पर? अभी तक की जानकारी के अनुसार कि ये हथियार प्राप्त करने आए थे और ये कोई बड़ी वारदात करने के लिए आए थे। अभी चूंकि इनका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, डिटेलिंग पता चल जाएगा कि मूलतः आने का इनका मकसद क्या है। अभी चूंकि कल ही दस्तयाब हुए, डिटेल से पूछताछ नहीं हुई है और इन सारी चीज़ों को, हथियार कहाँ से लाए थे, क्यों आए थे, यहाँ कब से हैं, इन सारी चीज़ों को जांच पूछताछ करने के लिए इनका पुलिस रिमांड लिया।